क्या आप आंखों का काले घेरे से यानी डार्क सर्कल से बहुत परेशान हैं? तो आप सही जगह में आए हैं। एक ऐसा पावरफुल आई मास्क बनाना दिखाऊंगी जिसके यूज से 7 दिन में आपका डार्क सर्कल्स 50% गायब हो जाएगा। इसके साथ 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना, डाइट में हेल्दी फूड रखना, दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना एंड टेंशन फ्री रहना, ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डार्क सर्कल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ बाहर से ट्रीटमेंट करके 100% गायब नहीं हो सकता। हेल्थ एंड माइंड का इनर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस आई मास्क के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चले देख ले आई मास्क को कैसे बनाना है। एक एयर टाइट कंटेनर लेना है मास्क को स्टोर करने के लिए। इसमें जाएगा हमारे फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाइल्ड टर्मरिक पाउडर या अम्बा हल्दी। खाने वाला किचन टर्मरिक नहीं लेना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वाइल्ड टर्मरिक डार्क पिगमेंट सेल्स को बहुत जल्दी ख़त्म करके स्किन को नेचुरल कलर में ले आएगा एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी पाउडर 1/2 टीस्पून। कॉफ़ी में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन में ऑक्सीजन की मात्रा इम्प्रूव करेंगे एंड पफी आईज का प्रॉब्लम संभाल लेगा, स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून हनी। ये स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेंगे, आई मास्क को ड्राई नहीं होने देंगे एंड हल्दी में जिनको स्किन जलने का फीलिंग्स होता है उस प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इस आई मास्क का सबसे खास बात यह है इसमें कोई पानी जैसा कुछ नहीं जाएगा, तो आप आराम से कम 20 दिन के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रख सकते हैं। बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में भी रख सकते हैं अप्लाई करने के टाइम ठंडे ठंडे फील करने के लिए, वो थका हुआ आँखों में ज़्यादा काम करेगा। अब इस 3 चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। लीड लगा के कुछ घंटा रख देने के बाद एकदम क्रीमी मास्क की तरह बन जाएगा। फेस वॉश करके दिन में 2 बार इस मास्क का एक लेयर आँखों का एरिया में लगाना है। 30 मिनट वेट करना है, फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। एक अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है धोने के बाद, ये हाइड्रेशन मेंटेनेंस के लिए। और हाँ, इसके साथ प्रॉपर नींद, पानी पीना, खाना एंड स्ट्रेस फ्री रहना ना भूलिए। इस तरह और भी DIY रेमेडी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना।